नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजुला। आज मैं बनाने जा रही हूं खस्ता ठेकुआ। ठेकुआ बिहार के पारंपरिक पकवानों में से एक है और इसे लगभग सभी त्योहारों पर बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं खस्ता ठेकुआ। खस्ता ठेकुआ बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गेहूं का आटा, 150 ग्राम पिसी हुई चीनी या बूरा, 50 ग्राम सूजी, 3 बड़े चम्मच सूखा हुआ घिसा हुआ नारियल, 50 ग्राम शुद्ध देसी घी, 4 हरी इलायची को मैंने कूट लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ। तलने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और गूंथने के लिए पानी। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटे को डाल लें, सूजी भी डाल लें, अब हम इसमें घी भी डाल देंगे और इन सबको हमें अच्छी तरह से मिलाना है। अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे मिलाते रहना है, जब तक कि घी आटे में अच्छी तरह से मिल ना जाए इस तरह से हथेलियों से। और इस तरह से जब बनने लगे आप समझ लीजिए कि आटा घी में अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे और इसे भी एक बार अच्छी तरह से मिला लें। अब हम बची हुई सामग्री भी मिला लेंगे, जिसमें नारियल, पिसी हुई इलायची और सौंफ। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आटे में सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है तो आटे में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए इसका एक सख्त डो तैयार करना है। एक साथ ज्यादा पानी ना डालें, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथना है। आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है और इसे एक सख्त डो तैयार कर लें। आटा गूंथ चुका है तो 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम देख सकते हैं कि आटा सेट हो चुका है। तो अब हम इसके ठेकुए बनाएंगे। मैंने ठेकुए पे डिजाइन बनाने के लिए एक सांचा लिया है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कद्दूकस या छन्नी से ठेकुए पे डिजाइन बना सकते हैं। अब हम अपनी जरूरत के ठेकुए की साइज के हिसाब से आटे का टुकड़ा लेकर हथेलियों की मदद से एक बॉल बनाएंगे, गोल करके इस तरह से बॉल की तरह, ये देखिए। अब आटे के बॉल को सांचे पे हल्के हाथों से दबाएंगे इस तरह से। सांचे पे दबाते हुए ठेकुए को गोल या मनचाहा शेप दे सकते हैं। किनारों में क्रैक हो सकता है, इसे ऐसे ही रहने दें, ऐसा आटे के सख्त होने की वजह से है जिससे ठेकुआ खस्ता बनेगा। इसे रख दें और इसी तरह से बाकी ठेकुए को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से गोल कर सांचे पे रख कर इसे हल्के हाथों से दबा दें और ये ठेकुआ तैयार है। दोस्तों, मैंने 8 ठेकुआ बनाया है। मैंने जितनी सामग्री आपको बताई है उससे 12 ठेकुए तैयार होंगे। अब हम ठेकुए को डीप फ्राई कर लेंगे। ठेकुए को तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही गैस की फ्लेम को लो पे कर दें और ठेकुए को बहुत ही सावधानी से तेल में डालें और इसे 1 से 1.5 मिनट तक सेट होने दें। उसके बाद आप ठेकुए को पलट लें। हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से पक जाए, क्योंकि ठेकुआ थोड़ा मोटा होता है तो इसे अंदर से पकना बहुत जरूरी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे पकने में और इसे 2 मिनट पे पलटते हुए 2-2 मिनट पे आप इसे दोनों तरफ से पका लें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये मैंने ठेकुआ निकाल लिया, आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है, इसे ठंडा होने के बाद ही खाना चाहिए। और बाकी ठेकुए को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। गैस की फ्लेम को आप लो मीडियम पे कर सकते हैं और से उलटते पुलटते हुए 4 से 5 मिनट के लिए तल लें। ठेकुआ तैयार है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे।
गैस के फ्लेम को बंद कर दें। सारे ठेकुए बनकर तैयार हैं। आप इसे ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद ही खाएं। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर 10 से 15 दिनों तक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। दोस्तों, खस्ता ठेकुआ तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।